फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती ने जिन 18 मूवीज में काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उन मूवीज की डिटेल आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। साल 1989 में आई मूवी गलियों का बादशाह। इस मूवी के डायरेक्टर थे शेर जंग सिंह। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार, हेमा मालिनी, स्मिता पाटिल, पूनम ढिल्लो, अमरीश पुरी, डैनी और इफ्तिखार शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1989 में ही आई मूवी मेरी जवान। इस मूवी के डायरेक्टर थे शिवू मित्रा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, शशि कपूर, किमी काटकर, तनुजा, विनोद मेहरा और अमजद खान शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1989 में ही आई मूवी मिल गई मंजिल मुझे। इस मूवी के डायरेक्टर थे मोइन अमजद। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मुनमुन सेन, कल्पना अय्यर, उर्मिला भट्ट, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर और मजहर खान शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1989 में ही आई मूवी 20 साल बाद। इस मूवी के डायरेक्टर थे राजकुमार कोहली। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, डिंपल कवाडिया, मीनाक्षी शोशाद्री, विनोद मेहरा, अमजद खान, अनुपम खेर, शक्ति कपूर और ओम प्रकाश शामिल थे। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1989 में ही आई मूवी गुरु। इस मूवी के डायरेक्टर थे उमेश मेहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, श्रीदेवी, शक्ति कपूर, यूनुस परवेज, बॉब क्रिस्टो और अरुण बख्शी शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1989 में ही आई मूवी आखिरी बदला। इस मूवी के डायरेक्टर थे मंगल चक्रवर्ती। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, योगिता बाली, प्रेम चोपड़ा, टॉम अल्टर और प्रदीप कुमार शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1989 में आई मूवी हम इंतजार करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर थे प्रभात राय। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, पद्मनी कोल्हापुरे, विनोद मेहरा, शफी इनामदार, उर्मिला भट्ट और शक्ति कपूर शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1989 में आई मूवी इलाका। इस मूवी के डायरेक्टर थे अजीज सेजावल। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, अमृता सिंह, अमरीश पुरी, राखी गुलजार और ओम पुरी शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1989 में ही आई मूवी प्रेम प्रतिज्ञा। इस मूवी के डायरेक्टर थे बापू। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित, विनोद मेहरा, रणजीत बेदी, नीलू फूले और सतीश कौशिक शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1989 में ही आई मूवी गरीबों का दाता। इस मूवी के डायरेक्टर थे रमेश अहूजा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, भानु प्रिया, प्रेम चोपड़ा, अरुणा ईरानी, शक्ति कपूर, दिव्या राणा और सुमित सहगल शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1989 में ही आई मूवी मुजरिम। इस मूवी के डायरेक्टर थे उमेश मेहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित, सुरेश ओबेरॉय, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी, नूतन और शरद सक्सेना शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी।
कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1989 में ही आई मूवी दाता। इस मूवी के डायरेक्टर थे सुल्तान अहमद। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, पद्मनी कोल्हापुरे, सुरेश ओबेरॉय, शम्मी कपूर, प्रेम चोपड़ा, रंजीत बेदी और अमरीश पुरी शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1989 में ही आई मूवी आखिरी गुलाम। इस मूवी के डायरेक्टर थे शिबू मित्रा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मौसमी चटर्जी, राज बब्बर, अन्नू कपूर, शक्ति कपूर, अनुपम खेर, सोनम और रंजीत बेदी शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1989 में ही आई मूवी हिसाब खून का। इस मूवी के डायरेक्टर थे सुरेंद्र मोहन। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, राज बब्बर, पूनम ढिल्लो, सतीश शाह, सईद जाफरी और अमरीश पुरी शामिल थे। ये एक मिस्ट्री ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1989 में ही आई मूवी दोस्त। इस मूवी के डायरेक्टर थे मुरली मोहन राव। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, आमला, अमजद खान, कादर खान, किरण कुमार, असरानी और अनु कपूर शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1989 में ही आई मूवी दाना पानी। इस मूवी के डायरेक्टर थे देवेंद्र वर्मा। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, पद्मनी कोल्हापुरे, निरूपा राय, शफी इनामदार, प्रेम चोपड़ा, सदाशिव अमरापुरकर, अशोक कुमार और अरुणा ईरानी शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1989 में ही अगली मूवी आई लड़ाई। इस मूवी के डायरेक्टर थे दीपक शिवदासानी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, डिंपल कबाडिया, आदित्य पंचोली, अनुपम खेर, मंदाकिनी और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1989 में ही आई मूवी भ्रष्टाचार। इस मूवी के डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, अनुपम खेर, रजा मुराद, अंजना मुमताज और शिल्पा शिरोडकर शामिल थे। रजनीकांत ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको मिथुन दान ने साल 1989 में जिन 18 मूवीज में काम किया था उन मूवीज की डिटेल आपको बता दी। इन मूवीज में से कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।